हेलो दोस्तों, एम्स बठिंडा ने एक रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया है जिसमें बहुत सारी पोस्टें रखी गई हैं। उन पोस्टों में एसोसिएटेड प्रोफेसर, साइंटिस्ट, लेक्चरर नर्सिंग, सीनियर मेडिकल ऑफिसर, सीनियर प्रोग्रामर, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, मेडिकल ऑफिसर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, वेटरनरी ऑफिसर, ये सारी पोस्टें रखी गई हैं। इसके लिए जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भी इस PDF में मेंशन किया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए नर्सिंग की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट हैं वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 हैं, जिसमें से 2 सीट जो हैं वो दे रखी है जनरल कैटेगरी की से और एक सीट SC और OBC से दी गई हैं। इसी के साथ में जो ANS की पोस्ट है उसके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं और दोनों ही जो सीट्स हैं वो जनरल कैटेगरी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन है, इसे अच्छे से रीड करना है। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, आप वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं ताकि ये जो PDF है आप उस ग्रुप के थ्रू भी ले सकते हैं। साथ साथ में बहुत सारे इस PDF को अच्छे से रीड करें और जो भी नोट हैं अच्छे से पढ़ें। सबके लिए एक क्वालिफिकेशन दिया हुआ है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो है नर्सिंग में, इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसमें मास्टर डिग्री इन नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से दिया गया है, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है MSc के बाद में, और 2 साल का उसमें टीचिंग एक्सपीरियंस इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, और अगर ANS की बात की जाए तो ANS के लिए BSc नर्सिंग मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और MSc डिज़ायरेबल मांगा गया है। ठीक है, और इसमें 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 200 बेड के हॉस्पिटल में। इसमें एज लिमिट भी दे रखी है, 35 वर्ष तक के ANS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो हमारी पोस्ट है लेक्चरर नर्सिंग में, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें 50 साल तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये वीडियो, ये PDF आपको इम्पोर्टेंट लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटसेट को लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएँ। ठीक है, और ताकि आने वाली जो भी अपकमिंग नई वैकेंसीज हैं, नई पोस्ट है, उसके बारे में मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती रहूँगी और मैं थोड़ी मोटिवेट होती रहूँगी। ठीक है, और इन्हें जनरल जो भी कंडीशंस है, जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसे अच्छे से रीड कर लेना। और इसमें फ़ीस भी दे रखी है, इसमें 2360 रुपये दे रखी है एप्लीकेशन फ़ीस। इसके साथ में अलग एक एनेक्सर्स भी दे रखे हैं, एनेक्सर 1 है ये, जैसे ये हो गया एनेक्सर 1। ठीक है, एक एनेक्सर 2 दे रखा है, एक एनेक्सर 3 दे रखा है, एक एनेक्सर 4 दे रखा है। तो ये सब कुछ आपको सबमिट करना होगा फुलफिल करके, और जो भी इंक्वायरी करनी हो या जो भी क्यूरी हो आपके माइंड में तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू।